हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा जैन और राजस्थानी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे डालगोना कॉफ़ी और सबसे खास बात यह है कि हम इस कॉफ़ी को बनाएंगे विदाउट मशीन के। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रीमी दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा और बहुत ही टेस्टी होगा। और साथ ही बिल्कुल नॉर्मल सामान जो घर में अवेलेबल रहते हैं ये उन्हीं से बनेगी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इस स्पेशल सी कॉफ़ी को। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगती है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी और सेम क्वांटिटी में यहाँ पर ले लेंगे चीनी, यानी कि एक चम्मच चीनी और उतना ही पानी भी लेंगे। पानी गर्म लेना है, ध्यान रखें, यानी कि एक चम्मच पानी। अब मैंने एक चम्मच लिया है, इससे हमें कॉफ़ी को लगातार चलाना है। इस तरह से बीट करने से लगभग 10 से 15 मिनट लगता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट होकर तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं मुझे अभी तक 3 से 4 मिनट हुए हैं और कॉफ़ी क्रीमी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसे फिर से चलाएंगे। आप इसे बीटर से भी बीट कर सकते हैं, उससे ये काफ़ी जल्दी बन जाती है और काफ़ी इजी भी रहती है। मुझे इसे बीट करते हुए 12 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी क्रीमी लग रही है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और बीट कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट ना हो जाए। तो बीट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल लाइट हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गई है, तो इसे हम और नहीं बीट करेंगे। मुझे पूरे 15 मिनट लगे हैं, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी जल्दी ये बीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम कॉफ़ी बनाने के लिए लेते हैं ग्लास। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कॉफ़ी बनाते हैं, उसके लिए मैंने लिया है गरम दूध, इसे ग्लास में डाल लेंगे। ग्लास को मैंने 3/4 तक भरा है और अब हम ऊपर से डालते हैं बनी हुई कॉफ़ी। लगभग 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डालेंगे। आप जितना स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं उस हिसाब से कॉफ़ी डाल सकते हैं। मैंने दूध में भी थोड़ा सा चीनी डाला है, अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप ना डालें। और बस ये नॉर्मल कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बॉल्स डालूंगी। और आखिर में स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर। और ये नॉर्मल डालगोना कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम ओरियो डालगोना कॉफ़ी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्लास लिया है और ग्लास में 3/4 दूध भर लेंगे और इसके ऊपर फिर से वही कॉफ़ी डालेंगे। 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डालूंगी मैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे ओरियो बिस्किट का चूरा। मैंने यहाँ पर एक ओरियो बिस्किट को दरदरा पीस लिया है, तो इस पूरे बिस्किट को इस क्रीम के ऊपर डाल देंगे। और बिल्कुल आखिर में साइड में एक बिस्किट लगा देंगे और ये ओरियो डालगोना बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट ओरियो डालगोना कॉफ़ी। उसके लिए जो बची हुई क्रीम है उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर। इसके लिए हमें डालगोना कॉफ़ी को कम रखना है और चॉकलेट पाउडर को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इससे क्या होगा, जो क्रीम है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा जब आप इसे बीट करेंगे। और वही 3/4 कप हमने दूध लिया है, गर्म दूध। इसमें डालेंगे हाफ हाफ करके ओरियो बिस्किट्स, 4 ओरियो बिस्किट डालूंगी मैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बीट किया हुआ चॉकलेट कॉफ़ी। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट को ज़्यादा रखा था और कॉफ़ी को थोड़ा सा कम। और अब ऊपर से डालेंगे थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े। और थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का चूरा। और बस साइड में लगा देंगे एक चॉकलेट। और ये ओरियो चॉकलेट डालगोना कॉफ़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तीनों डालगोना कॉफ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।